नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ काजल। भारत समाचार के स्पेशल प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आपको बताएंगे कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। आर्द्राम पुष्करणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्म मालिनी चंद्राम हृदयमयीम रश्मिम जात वेदो महामा। इस प्रकार से सूर्य चंद्र और मंगल का ये जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो मंगल से संबंधित अगर वार हो और इसी के साथ सूर्य और चंद्र से संबंधित जिनका अमावस्या चंद्र का बड़ा संबंध होता है, इसका संबंध बन जाता है तो कुछ विशेष प्रकार की तिथियां आती हैं जिनको हम अमावस्या, और उसमें भी कोई अगर विशेष तिथियां आती हैं जिसमें हम अपने पितरों इत्यादि को या पूजा पाठ इत्यादि या ध्यान करके अपने को शांत कर सकते हैं, ऐसी कुछ अमावस्या होती हैं जो बोली जाती हैं विशेष अमावस्यक तिथियां, तो जिसमें मुख्य रूप से दर्श अमावस्या होती है। दर्श अमावस्या 28 जून मंगलवार, इस दिन इसका प्रभाव रहेगा। जब अमावस्या का प्रभाव रहता है तो चंद्र लोप हो जाते हैं यानी घनघोर अंधेरा रहता है और चंद्र के दर्शन भी उस दिन नहीं होते हैं और बिल्कुल गहन मेघ के समान रहते हैं आकाश का, और इसके साथ आकाश के ही साथ रहता है अंधेरा घनघोर। तो इस समय मन से संबंधित अमावस्या और पूर्णिमा यानी चंद्रमा मन सो जाता सूर्यो चक्षु अजायता, तो मन का कारण होता है इसलिए घबराहट रहती है। पितरों के दिन माने गए हैं अमावस्या, इस दिन माना जाता है स्वर्ग से पितृलोक पे यानी मृत्युलोक पे आते हैं हमारे पूर्वज और वो धरती पे आके अपने परिवार को आशीर्वाद रूप भी समस्याओं की समाधान भी और बहुत सारे प्रकार से लाभ देते हैं। इस दिन श्राद्ध करने का बहुत अपना अलग महत्व होता है। वैसे अमावस्या श्राद्ध के लिए बहुत ही अच्छी होती है लेकिन ये विशेष पल दर्श अमावस्या, इस दिन श्राद्ध की स्थिति अगर होती है तो दान पुण्य करने से पूर्व कर्म कृत जो पाप होते हैं उनसे भी आपको मिलता है छुटकारा। तो वैसे हर महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या का प्रभाव दर्श अमावस्या के रूप में जानी जाती है लेकिन विशेष रूप से अभी अगर हम बात करते हैं तो ये 28 जून को आने वाली ये विशेष प्रभाव जरूर देगी। पितृदोष का अगर आपकी कुंडली में प्रभाव है, कई बार होता है राहु और चंद्र का मिलन हो या विशेष रूप से देखा गया है केतु चंद्र का प्रभाव हो या सूर्य और शनि का अच्छा प्रभाव ना हो तो तर्पण करना चाहिए। दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल तर्पण करना यानी कि जल का एक विधि अनुसार अर्पण करना, तर्पण करना, इससे आपको मिलेगी खुशहाली। लेकिन अगर ये प्रातःकाल के आसपास करते हैं तो और अच्छा है। वैसे सायंकाल भी आप जरूर किसी न किसी प्रकार से दीप दान जरूर, और जल में दीप दान, दीपो ज्योति नमोस्तुते इस प्रकार से कहते हैं, शुभम करोति कल्याणम धनधान्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते, इस प्रकार से कहते हैं इसको, और इसमें भाग्योदय भी होता है। इस समय कुछ प्रेत आत्माएं भी ये भी सक्रिय हो जाती हैं, तो प्रेत आत्माएं अगर सक्रिय होती हैं तो उनसे जो उत्पन्न बुरे कार्य इत्यादि हैं वो आप उनसे दूरी बनाए रखिए। और इसी प्रकार से जो भी तीन प्रकार के कार्य होते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो इस दिन अमावस्या वाले दिन तामसिक पदार्थों से, तामसिक भोजन इत्यादि से, तामसिक प्रकार की जो आपकी जीवन शैली है इससे अगर आप रहते हैं तो वो भी आप ना करें, अन्यथा आपका जीवन आने वाले समय में और संघर्षपूर्ण होता हुआ देखा जाता है। तो इस प्रकार से पूजन करके चंद्रमा का भी आप पूजन कर सकते हैं और इसमें अर्घ देने की भी एक विधा होती है लेकिन अर्घ देने के बजाय आप तर्पण का जरूर प्रभाव ले सकते हैं। तो इस सर प्रकार से अगर आप पूजन करेंगे तो आपको जीवन में सफलता भी मिलेगी और पितरों की आपको कृपा भी जरूर प्राप्त होगी। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए कि आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है आज का खास उपाय। आपका दिन सामान्य रहने वाला है मेष राशि वालों, बिजनेस में आपको मिल सकता है रुका हुआ धन, आपको किसी विशेष काम में
आपके दूसरों की मदद भी मिल सकती है। परिवार के लोग आपके साथ हर फैसले में एकजुटता दिखाएंगे। जीवन साथी के साथ भी आपका बेहतर तालमेल होता हुआ दिखा रहेगा। आज आपका दिन सामान्य। क्या कराएंगे? भोजन कराना अच्छी बात है, इससे अन्न का दान हो जाता है। काला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए 12। तो ये छोटा सा उपाय, इसको करने के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। आपके अच्छे व्यवहार से आपके आसपास के लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, आपकी अच्छी छवि निकल कर लोगों के सामने आएगी। समाज में आपको उचित आदर सम्मान मिलेगा। आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहता हुआ देखा जा रहा है। आज धैर्य पूर्वक किया गया विचार बहुत ही फलदायी होता हुआ दिखेगा। किसी मामले में आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपके अच्छे व्यवहार से आसपास के लोग भी प्रसन्न होंगे। क्या करेंगे? मंदिर में गुड़, चना और शहद का दान करें। लाल रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 11 और मतांतर से 2 भी, यानी इसका जोड़ दोनों ही आपके लिए उत्तम है। मिथुन राशि की बात करें, पारिवारिक मामलों में और इनके साथ धार्मिक यात्रा का भी प्रभाव मिलेगा। आपके मित्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, होगी भी। आर्थिक रूप से आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ देखा जा रहा है। स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आपके प्रवेश कर सकता है। भाइयों से वैचारिक मतभेद भी आपको हो सकते हैं। अपने बैंक से जुड़े हुए कार्य में आप जरूर कुछ इंक्रीमेंट पा सकते हैं। शाम के समय कोई उचित समाचार भी आपको मिल सकता है। बजरंग बली की आराधना करना ये आपको शारीरिक ही नहीं मानसिक भी सशक्त करेगा। शुभ रंग सफ़ेद है और 19 का नंबर ये भी है आपके लिए शुभ, और 9 का जोड़ 1 से यानी 1 का भी प्रभाव है। बजरंग बली की आराधना करते रहें। कर्क राशि पे चलते हैं। कर्क राशि पहले की अपेक्षा आज आप कुछ राहत महसूस करेंगे। थोड़ी सी मेहनत से ही आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। बाहर जाने का, खान पान का भी प्रोग्राम बन सकता है। बच्चे दोस्तों के साथ मस्त रह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अपना दृष्टिकोण बदल ले, ईमानदारी वाला भी दृष्टिकोण बदल ले। थोड़ा सा अगर आप कुछ नया शौक करेंगे तो आपकी जेब पे भारी पड़ सकता है, लेकिन आप पहले की अपेक्षा आज अच्छा प्रभाव देखेंगे। शिव जी के मंदिर में जाएं, ब्राह्मणों से अनुष्ठान उपरांत भोजन कराएं, अच्छा रहेगा। बादामी रंग शुभ है और शुभ अंक आज आपके लिए है 4। सिंह राशि की बात करें तो आपका दिन आज फेवरेबल है। आज खुद को आप ऊर्जा से भरा हुआ इनर्जेटिक पा सकते हैं। आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि भी बनी रहेगी। आप किसी खास व्यक्ति से मुलाकात जरूर करेंगे। माता पिता की सेहत में उत्तमता के साथ सुधार होता हुआ देखा जा रहा है। ऑफिस सहकर्मियों के साथ पारिवारिक मसलों को आप शेयर ना करें। किसी भी प्रकार से आपके सीक्रेट आउट हो सकते हैं। और फेवरेबल तो है ही, क्या करेंगे? अन्नदानम श्रेष्ठ दानम, 5 प्रकार का अन्न दान करें। ऑरेंज रंग शुभ है, शुभ अंक है 9। छोटी छोटी बातें, चलते हैं कन्या राशि पे बात करेंगे। आपका दिन तो ठीक ठाक दिख रहा है आज, यानी सामान्य से बेहतर। आपका सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना दिख रहा है। ऑफिस में आपको कोई नया कार्य मिल सकता है। आपको अच्छा मान सम्मान भी मिल सकता है। कोई शुभ समाचार मिलने से आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रह सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। भोजन की अधिकता पेट का विकार बना सकती है, थोड़ा सा विकार से बचें तो अच्छा है। वैसे आपका दिन सामान्य से अच्छा है। जल में लोहा यानी कि लोहे के पात्र से जल में दुग्ध डालें, अच्छा रहेगा। गहरा हरा रंग और शुभ अंक आज आपके लिए है 1 का। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि, आज आपका दिन बेहतर नजर आ रहा है। आर्थिक परिस्थिति और स्थिति में प्रगति के आसार भी आपके दिख रहे हैं। तो आर्थिक स्थितियों को और अच्छा करने के लिए क्या करेंगे? जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोजेंगे जो आपको मिलेंगे भी, और आपके अटायर, ड्रेस, यूनिफॉर्म इत्यादि की तारीफ भी होगी। यानी आज आप वेल मेंटेन्ड अपने को प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा तनाव हो सकता है थकान इत्यादि से। अचानक काम से यात्रा पे जाने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। कुल मिला के आज आपका दिन बेहतर रहेगा। बजरंग बाण का पाठ करना आज आपके लिए उत्तम है। शुभ अंक है 2 और शुभ रंग पीला।
अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपको बिजनेस के क्षेत्र में कुछ लोगों से लगातार मदद मिलती हुई नजर आ रही। सामाजिक जीवन भी आपका हर तरह से बेहतर बना हुआ है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में भी आपको आपके काम के लिए वाहवाही मिलती हुई नजर आ रही। युवा वर्ग अपने संपर्कों के माध्यम से नाम भी कमा सकता है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मकता और इस तरह का लगाव रखना जरूरी है। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे क्या आप कर सकते हैं। उपाय में मछलियों को आटे की गोली 4 के जोड़ में जरूर खिलाएं। शुभ रंग आसवानी, शुभ अंक है आपका 5। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा। धनुराशि पर चलेंगे। धनुराशि वालों, आपके पास नए अवसर आएंगे। धैर्य रखने पे आपके रिश्ते मधुर होते हुए देखे जा रहे हैं। स्नेहीजनों और मित्रों से आपका मिलना होगा। प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात और रोमांचक मुलाकात भी बनती हुई देखी जा रही है। यानी आपका आज रोमांचक समय, कपल्स के बीच का रिश्ता प्रगाढ़ होगा। परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। धन दौलत से जुड़े हुए परिणाम भी आपको हासिल होंगे। आप परिवर्तन, अच्छे सुखद परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। सुचारू रूप से आपका प्रेम संबंध भी अच्छे चलेंगे। बातचीत भी आपकी सफल होती दिख रही है। तो धनुराशि वालों को छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए, वो ये है कि केवल सफ़ेद वस्त्रों का आप कर लें दान। शुभ अंक 5। शुभ रंग आपका सिलेटी यानी ग्रे। तो अब आप ये समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मकर राशि पे बात करेंगे। आपका दिन आज थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट दे रहा है। नौकरी कर रहे हैं तो लोगों को नए प्रोजेक्ट इत्यादि जरूर मिलना है। विद्यार्थियों के लिए ये दिन सामान्य रहने वाला है। और इसी के साथ किसी छोटी सी बात पे जीवन साथी से अनबन होने की भी आपकी समस्या बन सकती है। थोड़ा सा आप समस्या में किसी प्रभाव से आ जाएंगे। किसी भी कार्य करने में पक्के बिल का ही प्रयोग करें। यानी आपके लिए आजकल थोड़ा सा कागजी रूप से स्ट्रांग होना जरूरी है। जहाँ तक गवर्नमेंट से डीलिंग है, डायबिटिक वाले अपना ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। माँ कालिका की आराधना करना, इन सारी चीज़ों से, मुसीबतों से, दुखों से, कष्टों से आपकी मुक्ति होगी। शुभ रंग है मेहरून और शुभ अंक है 15। और 5 और 1 6 का भी कंपोजिट नंबर आपके लिए शुभ है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिल सकते हैं। आपका मूड भी काफ़ी अच्छा हो सकता है आज। बिजनेस में वैसे तरक्की सामान्य रूप से आपकी बनी रहेगी, क्योंकि आपके आत्मविश्वास में भी लगातार बढ़ोतरी होती हुई देखी जा रही है। आपकी क्रिएटिविटी जो है वो किसी भी पुराने काम को नए ढंग से करने की आपकी तरीका, टेक्निक लोगों को पसंद आएगी। कुछ साधन भी आपको ज़रूर मुहैया होंगे आपके इस क्वालिटी के हिसाब से। यानी कि आपके जो आप में एक पॉजिटिव चीज़ है, दीपक यानी दीपदान आज ज़रूर करें, आप ज़रूर करें। नीला रंग शुभ है और 7+1 8 का और 17, ये दो नंबर आपके लिए बहुत अच्छे आज रिजल्ट्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दीपदान करें। बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि की। आपका दिन आज शानदार दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड दिख रहा है। कोई दोस्त मित्र इत्यादि आपसे भेंट हो सकती है। संपत्ति बढ़ाने की कोई योजना भी आपकी आज सफल हो सकती है। बिजनेस में कुछ नए एग्रीमेंट आपके होते हुए देखे जा रहे हैं। रहने की ज़रूरत आपको है सतर्क, किसी भी चीज़ से, किसी नए कोर्स को भी या कुछ आप सीखने समझाने में भी आप एंटर कर सकते हैं। आपका दिन शानदार है। क्या कर सकते हैं, हरा चारा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके संभव खिलाएं गाय को। ऑरेंज रंग शुभ है और 19 का और 9+1 यानी 10 यानी 1 का कंपोजिट नंबर अच्छा है। तो अब हम जाना किस प्रकार से मेष से मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां गागर में सागर। बहुत आसान उपाय, आपका दिन सबका, सारी राशियों का शुभ हो, मंगलमय हो। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए कि आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 28 जून 2022, अमावस्या तिथि का प्रमाण मकर नक्षत्र और मंगलवार आषाढ़ मास कृष्ण। शुभ समय 12:03 से 12:56, राहुकाल 3:51 से 5:32 तक सिद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-403-6524।
ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप उनको टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी दर्शकों से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।